शर्मा शो। पाजी कहते हैं कि किसी की एक मुस्कुराहट आपका दिन अच्छा कर सकती है, और खास तौर पे जब मुस्कुराने वाली खूबसूरत हो तो फिर तो पाजी फिर तो बस आप जानते नहीं हो। दिल की घंटियां टन 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 टन। तो आज जो शख्सियत यहाँ पे आ रही हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं, ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और जब ये नहीं मुस्कुराती हैं तो ये हंसती रहती हैं। सो प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल शिल्पा शेट्टी। शिल्पा आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। शिल्पा जब भी आती है पाजी चेहरा खिल जाता है पाजी का। अबे कमाल कर रहा है, देख के जिसके रूप का जलवा आईना भी टूटा है, आपके चेहरे की चमक देख के चंद्रमा भी लगता झूठा है। अरे शिल्पा जी, अरे शिल्पा जी, हम तो नगद दे के सामान नहीं खरीद पाते, आपने दीवाना बना के पूरे यूपी बिहार को लूटा है। अरे वाह, आज शिल्पा चाहे तो ट्रेन रोक दे लेकिन सिद्धू बाजी को नहीं रोक पाएगी। बाजी के शेर निकलते हैं। शिल्पा आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा बाजी आप देखो बर्थडे हर साल आता है लेकिन उम्र नहीं बढ़ती। अच्छा ये योगा का कमाल है शिल्पा के, ऐसे जो पैसे वाले लोग होते हैं गवर्नमेंट अलग से स्कीम देती है इनको। नहीं पूछना चाहिए, पूछो पूछो। हाँ सीरियसली योगा का कमाल है तो फिर उसी स्कीम में आपको भी मतलब मेरा ऐसा सिस्टम है नहीं ना अभी। अच्छा कब है, थोड़ा गरीबी दवा चल रहा है आजकल। हाय हाय वो तो तेरी गालों से पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है कश्मीरी सेब दबा दिए अंदर मेरे। ले पाजी कुछ भी है हर क्या। शिल्पा आपसे बड़ी सारी बातें करनी है, आप पहले यहाँ बैठिए और बताइए सोफा कैसा लग रहा है, हमने नया बनवाया खास तौर पर। बैठिए बैठिए, इज इट कंफर्टेबल? इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस, गुड, सोनी टीवी आई लव यू। शिल्पा कैसे बर्थडे पे गिफ्ट काफी सारे मिले होंगे इस बार तो? अरे नहीं यार है? बस प्यार मिला है, मैं उसी में खुश हूँ। प्यार मतलब नहीं, इनका प्यार भी ऐसा मतलब डायमंड रिंग होलीडे ये तो सब बड़ी कॉमन चीजें हो गई अभी। बिल्कुल नहीं। तो गिफ्ट क्या मिला फिर इस बार बताना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, मेरे को पेन ड्राइव दी दिनेश ने मेरे बर्थडे पे। मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा खाली पेन ड्राइव, कहता नहीं नहीं आठ गाने इसमें हमारे। तो ये तो खैर बड़े लोगों की बड़ी बात है, 9 लाख तो हमारे हमारे मोहल्ले में पाजी बच्चे का बर्थडे हो ना तो कटोरी पे उसका नाम लिखवा के दे देते हैं। तो जब तक बच्चा 12 साल का होता है उसका सेट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा शिल्पा को देख के बिल्कुल नहीं लगता है लेकिन इनका 5 साल का बड़ा प्यारा सा बेटा है वियान। 4 साल का। 4 साल का हो गया। हाँ। चलो अगले साल 5 साल का हो जाएगा। हाँ। शिल्पा वियान नाम आपने रखा था राज ने, किसका ये आइडिया था? हम दोनों का था, इट वॉज एक्चुअली अ डेरिवेटिव फ्रॉम वियन। तो राज चाहते थे कि ऐसा नाम हो जो लोग आसानी से प्रोनाउंस कर पाए, वियान। हाँ। अच्छा पढ़े लिखे अमीर लोग कितना नाम रखते वक्त कितनी अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं, हमारे कभी नहीं, हमारा मौसम के हिसाब से नाम हो जाते हैं। सीरियसली हमारे बरसात हो रही हो ना तो लड़की का नाम रख देंगे वर्षा, लड़का सर्दियों में पैदा हो तो जाड़ा है जाड़े इधर, दिवाली पे लड़का पैदा हुआ तो दीपक, लड़की हो गई तो दीपा, कोई रखते ही नहीं कोई इतना सोच। कोई ज्यादा खूबसूरत हो तो हुई तो पटाका। और पता नहीं मेरी मम्मी डैडी ने क्या सोच के मेरा नाम रखा, क्योंकि एक अगर मैं गुजरात जाऊं या वडोदरा जाऊं तो शिल्पा बुलाएंगे तो शिल्पा 5 लड़कियां टर्न कर लेंगी। साउंड्स लाइक मॉम व्हाट आर यू थिंकिंग। पर नहीं बहुत अच्छा आप पे सूट भी बहुत करता है शिल्पा। शिल्पा चार चांद लगाए। अच्छा एक बच्चे को संभालना पाजी ऑलरेडी एक बड़ी फुल टाइम जॉब है, अब आप बहुत सारे बच्चों के साथ एक डांस शो जो है वो कर रही हैं। जी। शो का नाम क्या है आपके? शो का नाम है सुपर डांसर, बहुत ही कमाल का फॉर्मेट है, 4 साल के बच्चे से 14 साल के बच्चे तक, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन दोस एजेस। आपको पता है शिल्पा की फिल्मों की तरह शिल्पा की जो योगा की डीवीडीज हैं बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग देख के उनमें अवेयरनेस आती है फिटनेस के लिए। ये हमारा जो है ना ड्रम वाला पांडे जो पीछे बैठा हुआ है जी, आपकी डीवीडी इसने भी लेके रखी है, कहता है मैं 3 साल से देख रहा हूँ मेरा वजन नहीं कम हो रहा। मैंने कहा करना भी पड़ता है, रजाई में बैठ के देखेगा तो कैसे कम होगा। शिल्पा मेरे को बताओ मैं अगर 2 हफ्ते में 8 इंच कम करना हो तो कैसे करूँ, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। मैं वही बात कर रही थी पीछे, सिद्धू जी घटाते जा रहे हो और पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है लॉस्ट एंड फाउंड हो रहा है इधर। मेरा तेरी तरफ जा रहा है गुरु सवारी अपना सामान। आई विल इंट्रोड्यूस बिफोर माय सेकंड फिल्म। तूने बड़ा म्यूजिक दिया पीछे, अपनी टोन देख पहले, अपना पेट तो ड्रम पे रखा हुआ है, कभी कभी तो जल्दी उसी में मार देता है। बट आई हैव टू से पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि
For what? For what? नहीं, आप में इतनी पावर है कि आप जो भी बोलते हो या यहाँ पे शो पे जो जिसको भी मौका मिलता है आने का, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट. और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था ग्रेट इंडियन डाइट के लिए एंड मैंने यहाँ पे प्रमोट किया. और आई हैव टू गिव यू थोड़ा सा श्रेय, इनको भी जाता है, बिकॉज एज सून एज आई फिनिश सडनली द बुक सेल्स स्पाइक्ड एंड वी बिकेम अ बेस्ट सेलर. शिल्पा आप मेरे को बताओ, जैसे दो हफ्ते में 8 इंच कम करना मुश्किल है? हाँ, अनलेस 8 हफ्ते में 2 इंच. हाँ, वो आसान है, बहुत आसान है. उसके लिए कोई आसन बता दो. ऐसे आसन यार ऐसा होना चाहिए पाजी, वर्कआउट के लिए भी ना कोई आदमी होना चाहिए कि जा तू करे मेरे हिस्से का. चलो तो एक आसन कर ही लेते हैं फिर. हाँ प्लीज ऐसे ही बता दो. योगा कभी किया है पहले? योगा हाँ. हाँ बहुत ही आसान. आज हम करेंगे वृक्षासन. अच्छा. And it basically helps you balance your mind, body, soul. वृक्षासन. हाँ जी. कौन सा पेड़ बनना है? कोई भी बनो, बस गर्मी के सीजन आम का बनते हैं. हाँ बहुत ही आसान है. ओके चलो जल्दी. एक मिनट, मेरा फंस गया था अंदर. बैलेंस बैलेंस. 2 सेकंड. बैलेंस 5 सेकंड के लिए बस. नहीं नहीं नहीं, बट विथ लाइक दिस. 2 मिनट में दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर. सॉरी आई एम अ लूजर. ओके अच्छा अच्छा सिंपल सा करते हैं, सिंपल सिंपल वाला. हाँ इन्वर्टेड नमस्ते. मैं पीठ पीछे किसी को नमस्ते नहीं करता. मेरा ओ माय गॉड. पाजी आप करके दिखाओ. क्यों करूं मैं? करो सही तो. मुझे कहा नहीं है सवारी अपने सामान की खुद जुम्मेवार. कपिल अभी कुछ तो मुझे कराना पड़ेगा. यू हैव टू डू समथिंग. वृक्षासन ठीक था, ये नमस्ते तो बहुत खतरनाक है. ये मैं कर लेता हूँ. अच्छा चलो 2 मिनट देख लिया कर जाए, अगर टिक जाए उसके बाद म्यूजिक देना. अभी तो मेरा ही नहीं बैलेंस बन रहा. एक मिनट इसका बहुत आसान तरीका है. एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, उस लाइट की तरफ देखिए. लाइट की नहीं, वो गर्ल लड़की की तरफ देखिए. चलिए लड़की नहीं है, लेकिन फिर वहीं पे टिकी रहनी चाहिए आपकी नजर. ओ मेरी टिकी रहेगी वो. ओ सिद्धू पाजी के पीछे जो बैठी हुई. बैलेंस भी बन गया देख फट करके. बैलेंस मेरा बहुत ज्यादा. देख हिल नहीं रहा बिल्कुल ही. अब क्या करना है? नमस्ते. क्या बात है. तो इसको कितनी देर करना है? 10 सेकंड. 10 सेकंड करना. 10 सेकंड. पूरे लड़की से आंख उठाई ठक करके नीचे आया. तो एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे. ओके सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. हम आपको पहना दें? नहीं. क्या बात है पाजी. जब कोई एक बड़ी खूबसूरत लड़की आपके पास बैठी हो तो और कोई आदमी आ जाए तो बड़ा खलता है. सही बात. लेकिन जब कोई दूसरा आने वाला भी इतना ही खूबसूरत हो तो फिर बड़ा अच्छा लगता है. वाह आज तो फ्रूट फ्रूट लग रहा है हमारे. लाल पीले फ्रूट गर्मियों में. आपको दोनों देखे ना अभी गर्मी लगनी बंद हो गई थोड़ी थोड़ी. ये तो बड़ी गर्मी लग रही थी. देखो पाजी कहते ना भगवान जब देता है चप्पल फाड़ के देता है. एक ही घर में इतनी खूबसूरती, दो बहनें दोनों ही खूबसूरत, एक हमारे जैसे दिनेश, 8 भाई हैं और ये ठीक निकला, बाकी आप देख लो. तो शमिता मेरे को एक बात बताओ, आप दोनों बहनें जब कॉलेज में पढ़ती होंगी या स्कूल में हाँ. तो मतलब तो लड़के तो काफी आगे पीछे मंडराते होंगे आपको देख के. आपने डैडी को देखा है? मेरे डैडी को देखा है. जेंट्स में को मैं ज्यादा दिखता नहीं. अरे शिल्पा वैसे इतनी स्वीट है, मुझे लगता कभी किसी को डांटा होगा इसने आज तक. नहीं पर इनकी देखो यार एज डिफरेंस को भी जैसे ले लो, 5 साल से कम होना तो लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है. तो मैं ये पूछना जब आपने कभी. ऐसे होता है पाजी जब कोई ना मतलब अगर 3-4 साल का बच्चा है हाँ. तो दूसरा बच्चा घर में आता है हाँ. तो बच्चे को बड़ी जलसी होती है क्योंकि तो तभी तो इतनी हाँ. आपको हुई थी कभी जब शबिता पैदा हुई थी तो? ऑफ कोर्स. आपको कैसे पता? आप तो छोटी सी थी. क्योंकि मैंने मम्मी से सुना है. मम्मी से सुना है. अच्छा. अपेरेंटली मैं घर की लाडली थी और जब शमिता आई घर में तो सडनली. और मैं क्या है, मैं तो मुझे सब लोग घर में किशनी करके बुलाते थे बिकॉज मैं काली कलूटी सी थी. किशनी थी मतलब हूँ. और शमिता आ गई गोरी चिट्टी क्यूट सी बेबी एंड सडनली ऑल द अटेंशन जस्ट शिफ्टेड. तो अपेरेंटली मम्मी कहती थी कि मैं रात को जाके ना शमिता सडनली रोना शुरू कर देती थी रात को या शाम को.
तो देन दे रियलाइज कि मैं जाके ना चूटी काटती थी। हमारे पास आपकी कुछ बचपन की तस्वीरें हैं, आपकी बड़ी कम मिली हमें, मिली नहीं एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे दिखाएंगे जरा प्लीज। शमिता ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, सिर्फ न्यूबॉर्न पिक्चर्स है क्योंकि वो इतनी क्यूट बच्ची थी, फिर सडनली जो न्यूबॉर्न से लेके एडोलेसेंट तक का जो पीरियड था सारे जला के फाड़ के उसने मम्मी को बताया, बोला एक दिन कि किसी को देखने नहीं मिलेगा ये सारी गंदी गंदी। सॉरी, लेकिन मेरे ब्रेसेस थे, मेरे दांत शमिता एक्चुअली ऐसे थे विद गैप्स, या और वो टॉप हेयरकट, व्हाट वाज दैट, कटोरा हेयरकट, कटोरा हेयरकट, कटोरा हेयरकट क्या होता है? बोलो। जैसे मम्मी मुझे पता नहीं क्यों हम लोगों को सैलून बेचती नहीं थी, हाँ, चंद पैसों को सेव करने के लिए वो खुद बैठ के संडे के दिन हमारे बाल काटती थी, और उसका जो नतीजा निकलता था तो हम लोग ऐसे लगते थे कि जैसे पता नहीं रियली टेरिबल लुकिंग चलो, तो ऐसे नहीं कि आज हम, मुझे तो लगा बचपन से आप बनके सवरत के ऐसे खूबसूरत। नहीं प्लीज, आई वाज वेरी स्केरी, फोटोग्राफ्स विल बी प्रूफ। तो आइए देखते हैं, आपके कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, दिखाइए जरा। कटोरी, द कटोरी कट, आई वांट टू किल यू। तीन लोग हैं इसमें, ये कहां से मिला फोटोग्राफ? ये शामी आंटी के पास से मिला। शिल्पा, ये तीन लोग हैं, मुझे बताएंगे आप सबसे इस तरफ वाली? नहीं नहीं, वो मैं हूँ। अच्छा। वो जो डिमेंटेड वाली है ना, वो मैं हूँ। हाँ, वो शमिता साइड में, जिसने हाथ में ग्लास पकड़ा है। शमिता वैसे बहुत शमिता है आप जो ग्लास में पकड़ा हुआ है। हाँ, ग्लास तो बचपन में आप लड़का थी। हाँ, मैं टॉमबॉय थी। और छोटा बच्चा कौन है और बीच में? मेरा कजिन है करण। अच्छा, ओके, तो एक और पिक्चर है ये। ओह माय गॉड, ये शमिता इतनी क्यूट है, देखो इधर, पता नहीं क्या हो गया बीच में। इसके बाद के पिक्चर्स मैंने जला दिए, यहाँ तक मैं क्यूट थी। हाँ, यहाँ तक। इसके बाद वाली भी है हमारे पास, जो आपने जला दी ना, तो हम डस्टबिन में से उठा लाए थे, दिखाई आगे। कटोरा है सी। ऐसा लगता दोनों बच्चे घूम गए थाने में बैठाए हुए। दो बच्चियां, अगर इनके माँ बाप को खबर मिले तो प्लीज आके पुलिस स्टेशन से ले जाए। अच्छा, ये तो बात जग जाहिर है कि बचपन में भाई बहन सब लड़ते हैं। हमारे यहाँ पे स्टूडियो में कितने लोग होंगे जो भाई बहन साथ में आए हैं? आप लोगों की किन बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? माइक लीजिए। हेलो जी, मेरा नाम ठरकी सिंह है। हाँ जी, ठरकी सिंह, मैं जलंधर तो आया, मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू सर, थोड़ा नहीं है ना था इनका। हाँ जी, मैं ना इन्हें दी बुक पढ़ी है, द ग्रेट इंडियन डाइट। हाँ जी, आप हिंदी में बोलेंगे ये? ओह नहीं, ग्रेट इंडियन डाइट तुम समझे नहीं यार, पागल हो गए तुम। जी जी, इज दैट यू? ओ डाइट मैं पढ़िया, ओदे च मिस्टेक है, ओदे च कोई तेल ही नहीं है, पर मैं खा लिया फिर भी मजा आया। अच्छा, हुन मैं एक्चुअली तोड़े नाल एक सेल्फी ले लो। कुंद्रा साहब, नहीं मैं सेल्फी लेनी है तोड़े नाल। देख लो पाजी, ग्रेट इंडियन डाइट, बीवी पहचान नहीं पाई, देख लो एक्टर ये खुद है और पति कितने बड़े एक्टर। आई रिकॉग्नाइज, मैंने पहचान लिया इनको। नहीं, मुझे लगा कि कुछ तो इधर गड़बड़ है। व्हाट इज दिस कुकी? व्हाट इज दिस? इज अ ग्रेट इंडियन डाइट। कपिल, अरे मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों की मिली भगत है। मेरी कोई मिली भगत नहीं है, इन्हीं का आइडिया था। नहीं नहीं, इनसे पूछ लो। मक्खन वाले परौंठे, इन्होंने पूछा, इन्होंने मेरे को फोन किया, कहते मेरी बीवी आपके शो पे आ रही। मैं कहा हाँ जी, कहते यार मैं भी मिलने आता हूँ, कभी मिल ही नहीं पाते हम लोग, मैं बिजनेस में बिजी रहता हूँ, ये फ्लाइटों में रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी, बड़ी बड़ी एंट्रियां हुई हैं यहाँ पे, ये सबसे ग्रैंड एंट्री। पाजी, आई लव यू। टू गुड यार, टू गुड। ये लिसन, मैं इनके पास नहीं बैठ सकती ऐसे। डाइट कर लेते हैं। नहीं नहीं, हम लोग रिमूव करा देते पाजी, नॉर्मल रूप में। प्लीज प्लीज पाजी, आप चेंज कर लीजिए आराम से, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाइए, फिर बैठते हैं आपके साथ बातें करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर राज कुंद्रा के लिए। आपने सच्ची में नहीं पहचाना था शिल्पा? यार क्या हुआ, when he started speaking, when he said ठरकी सिंह ना, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मुझे लगा you got somebody who looked a bit like Raj, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकती ना, अरे यार तुम मेरे पति जैसे लगते हो। देख लो पाजी, एक आदमी इतने सारे बिजनेस संभालते हैं, ये
उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार्स के साथ फुटबॉल मैच खेलते हुए दिख जाएंगे, कभी ये फ्लाइट में दिख जाएंगे आपको, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शिल्पा को शॉपिंग करने जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो सीरियसली मतलब ये गलत फहमी है, ही रियली वो इतने हार्ड वर्किंग है मैं बता नहीं सकती, ही इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। अच्छा वो निकलते हैं 9:30 को व्यान को स्कूल छोड़ के, सीधे जाते हैं ऑफिस एंड ही कम्स होम, समटाइम्स ही इज वर्किंग टिल लाइक यू नो मैंने देखा 10 पाजी का इंटरव्यू भी देखा था, कहते मैं 20-20 घंटे ऑफिस में कभी-कभी रहता हूं, सिर्फ शॉवर लेने घर जाता हूं तो इसका मतलब हम क्या समझे, आपको बीवी की याद नहीं आती, शॉवर की याद आती है आपको? शावर ही लूंगा, बीवी पास नहीं आएगी। पाजी एक बात बताओ, जैसे अपनी शादी में होता है तो पंजाबी आदमी आप सालियां जूते चुराती हैं, शमीना ने चुराए थे आपको? चुराए थे। तो कितने पैसे मिले थे आपको? अरे 50 लाख से ऑफर शुरू हुई थी इनकी। हाँ जी 50 लाख मांगे थे। जूते कितने के थे? 5,000 दिया था। आई नो सी ये हुआ बिजनेसमैन आदमी यार, बिजनेस मार्केटिंग 50 लाख से शुरू हुई थी। आप पंजाबी, शिल्पा साउथ से हैं, आपकी शादी में खाना जो बना था वो क्या था, मतलब कैसा खाना बना था उसमें? परौंठे भी मिले थे, डोसा भी मिला था, डोसा भी था, डोसा भी था। तो अपने अपने पंजाबी लोग तो फैल जाते हैं शादियों में भाजी, अपना कोई ऐसा मेहमान इनके साइड के सारे फैल गए थे। नहीं पंजाबी परिवार में शिल्पा शेट्टी बहू बन के आ गई तो वैसे ही ओए साडी बहू बाय गॉड कितना पीते हैं यार पंजाबी। साउथ इंडियंस कम नहीं है अभी वो शेट्टी शमिता, ये इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं, यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स नेशनल टेलीविजन। यू ब्रॉट इट अप। तो पाजी वैसे ऐसे ही पर्सनली पूछ रहा हूँ, मतलब इतने ज्यादा बिजनेस संभालने मुश्किल है के खूबसूरत बीवी के नखरे? सर इसलिए तो मैं इतने बिजनेस करता हूँ कि इनको संभाल सके। बंदा हाजिर जवाब है यार पूरा। पाजी जब आपकी शादी हुई थी तो आपके दोस्तों ने, जैसे दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल वो अपनी तरफ से अपना हक मान लेते हैं। हाँ। कि दुल्हन की साइड से जो बहनें हैं तो अपना लगे रहते हैं रिबन काटते वक्त ना बड़े पंगे लेते हैं ऐसे। हाँ। मैंने कहा जी हमसे भी कटवा लो चाहे शक्ल कैसी भी हो। हाँ। तो शमिता आप पे राज के फ्रेंड्स ने कोई लाइन वगैरह मारी थी कि नहीं? इनकी कोई फ्रेंड्स है ही नहीं, दैट्स नॉट स्टिल सिंगल। इसको चाहिए सिक्स पैक वाला आदमी, हत्ता कट्टा गबरू जवान। हम लोग सब खाते पीते घर के हैं तो मुश्किल है नहीं। हाँ अपने सारे वैसे ही पराठे खा के पेट पे आए। और जी शमिता जी, और जी तो मतलब इसलिए नहीं, तो वैसे शमिता कैसा लड़का चाहिए आपको? हाँ शमिता कैसा लड़का आज बता ही दो, आज बता दो भाई। और नीचे एक नंबर नंबर छोड़ देना मेरा नीचे, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूं मेंटली इमोशनली। कनेक्ट कैसे? वाईफाई से करें क्या? कैसे कनेक्ट करें मतलब कनेक्ट कैसे? शिल्पा आपने राज के साथ कनेक्ट किया था जब शादी हुई थी? बताओ ना, बड़ी बहन है तो ये बताएं। इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट कनेक्शन था, इंस्टेंट कनेक्शन एग्जैक्टली। मैं राज को आई थिंक शादी से पहले, लकीली आई हैड अ चांस टू गेट टू नो हिम एंड मुझे वो बहुत पसंद आए। अच्छा तो आई थिंक मैंने शिल्पा को भी बोला उस वक्त कि भैया मुझे तो बड़े बड़े अच्छे लगे, प्लीज शादी कर लो। मतलब इट हैड टू फर्स्ट सूट शमिता। चलो गुड। पर ये दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार है, साथ में काफी टाइम स्पेंड करती हैं। पाजी कभी आपको इस बात से गुस्सा नहीं आता भी थोड़ा टाइम अपनी बहन को मेरे लिए भी छोड़ दो कभी? ऐसा हुआ कभी आपने? एक बार ये फोन पे लग जाती है तो एक एक घंटा डेढ़ एक घंटा मतलब चांस नहीं मिलता। अच्छा अभी वेटिंग, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं जंप मारने जा रहा हूँ बिल्डिंग के बाहर, फर्क नहीं है, फोन पे लग रहते हैं। अच्छा हाँ मेरे नेल्स ना इस बार ये कलर मैंने चूज था बट इट डिडंट वर्क फॉर मी दिस कलर यू नो, ये लिपस्टिक ना। हमारी डिस्कशंस नेल्स के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होती, हमारे लंबे डिस्कशंस अलग चीजों पे होती है। जब इनकी शादी हो गई थी तो आई थिंक मैं डिप्रेशन में चली, आई वॉज हैप्पी बट मैं ऑल्सो डिप्रेशन में चली गई थी एक महीने के लिए, बिकॉज यू नो जब शिल्पा घर में होती थी तो वी ऑल न्यू बिकॉज शी वुड लाफ सो लाउडली, यू नो वी ऑल मिस दैट। एक आउटलेट भी होता है, सिद्धू पाजी को ले जाओ घर। सॉरी बट आई थिंक आगे क्या आए हो तुम, मिस कर रही हो। मुझे थोड़ा सा वक्त लगा यूज टू होने के लिए कि अभी इनकी शादी हो गई और ये चले गए घर से, लेकिन मेरा बहुत फायदा हुआ, मेरा बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ आपका? जब इनसे शादी की तो ये थोड़ी घरेलू होमली, 9 बजे के बाद 7 बजे खाना खा लेगी, 9 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाना, बुक पढ़ के सो जाना है। तो समटाइम्स आई लाइक टू पार्टी,
तो मैं फोन करता था साली को, डार्लिंग फ्राइडे नाइट लेट्स पार्टी. साली बोलती थी चलो, कभी मना नहीं करती थी. तो जब पार्टी करनी होती है साली याद, क्यों घर पे बुक वुक पढ़ना होता है, टीवी देखना होता है, कपिल शर्मा शो देखना होता है तो मैडम के साथ. तो मेरे पास टू इन वन है, पैकेज डील है शेट्टी सिस्टर. तभी मैं इसकी शादी ज्यादा पुश नहीं कर रहा हूं, वो तो हो नहीं होगा. पाजी शिल्पा तो फिल्में करती हैं, पाजी अगर आपको कोई रोमांटिक फिल्म ऑफर हो तो आप किस हीरोइन के साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? शिल्पा ऑप्शन में नहीं है. इसके हाथ से मालूम है इसको. मुझे पता है कौन बोलेंगे. क्या? दीपिका पादुकोण. ले भाई, ए ये देखो यार, तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? ठहरो यार, हमारा बंदा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ. हमारा बंदा दीपिका पादुकोण का इतना दीवाना है. हाय. और वो जब सुनता है ना कि कोई दीपिका को लाइक करता है तो उसका मुंह देखो कैसे एकदम से. पारी शिल्पा शेट्टी से आपने शादी कर ली, दीपिका के पीछे आप पड़े, हम मर जाएं? हम कहां जाएं? और शमिता शेट्टी के साथ पार्टी करते हो? उनके साथ पार्टी करी, उनके साथ शादी कर ली, रोमांस उनके साथ करेंगे तो हम चले जाएं मुल्क छोड़ के. क्रिस गेल आया तो वो कहता आई लाइक दीपिका पादुकोण. मेरा पहली बार दिल करे मैं सिक्योरिटी बुलवा के क्रिस की. ए कौन इधर? चोर चोर. मामा, ये मेरा मामा है भाई. मामा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहा है? मामा है तेरा, स्वागत कर मेरा. स्वागत उनका करते जो घंटी बजा के तमीज से आते हैं. चोरों की तरह, भिखारी की तरह कंबल लेके आए हो आप. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल क्या है वो सनलाइट से बच रहा था मैं. सनलाइट से नहीं बच रहे भाई, मोहल्ले वालों से बच रहे हैं ये. सारे मोहल्ले को परेशानी इनसे. मेरी नानी ने तड़ी बार किया इनको, घर में सांप दिख जाए और मामा ना तो पहले सांप को दूध पिलाएंगे, लाठी इसके मुंह पे मारेंगे. इतने खराब है ये. एनिमल लवर जो ठहरी सिद्धू भाई, क्या हाल है? बाकी सब ठीक ठाक है? जूते बड़े तगड़े लग रहे. नीचे जो लाइट जल रही है उसका मतलब पता है आपको क्या? आई एम फुल्ली चार्ज. आई लव दोस शू. व्हाट्स अप बेबी? एक और रख लो. ऐसे लोग क्यों मुझे मिलते हैं? मैं आपसे समीता का हाथ मांगने आया हूं. कौन सी गाल पे? वो क्या सोचा है आपने मेरे रिश्ते के बारे में? मैं सोच ही नहीं रही हूँ. थैंक गॉड. सुनिए, देखिए लड़के को बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना. आपका फ्रंट ही इतना खराब है, आपकी बैकग्राउंड देखिए आप. चुप कर, तूने बताया नहीं मैंने मॉडलिंग भी की है. हाँ, ये मॉडलिंग करते हैं. सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े नहीं होते वो इन्हीं के. मतलब रिश्ता पक्का. ये देखिए, मैं आपके लिए माँ के कंगन लाया हूँ. चोरी करके लाया, वो भी नानी का कंगन है ये तो पकड़ा उधर. चोरी के नहीं है, नानी ने खुद नहीं दिया था. हाँ, वो ये कहती थी कि अगर कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो कंगन है ना एक दूसरे को पहचानने के लिए. भैया झूठ बोल रहे हो. उधर नानी खुद आपको चार बार मेले में छोड़ के आई, सूंघ के वापस आ जाते. मैं क्या कह रहा हूँ, आप ज्यादा सोचिए मत. अरे आप ज्यादा सोचिए मत. शमिता बिब्बी, मैं क्या कह रहा था, मैं आपका बहुत दीवाना हूँ. अच्छा? सच कह रहा हूँ. आपकी वो फिल्म आई थी ना, शरारा शरारा शरारा, इधर भी शरारा शरारा, मैं हूं एक शरारा. काले कपड़े में क्या चासनी माफल कर रही थी आप, सच्ची कह रहा हूँ. वो फिल्म देखने के बाद पूरे एक महीना शरारा पहन के घूमता था मैं. वो तो आपको पहनना अच्छा लगता है लेडीज कपड़े. थैंक यू. I'm hurt. Really? I'm very hurt. Achha. Why you only hurt? Why you not dead? You only hurt. चुप कर. मैं कहेगा. यहाँ मैं आपके लिए क्या-क्या सोच के कितने अरमान लेकर आए हूँ और आपको पता है आपका वो जो गाना था शरारा शरारा उसके सारे डांस स्टेप मुझे याद है. करके दिखा. अच्छा? Really? करके दिखा. ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ. मामा, चलो इतने सालों बाद आए, पहले नानी से अंदर जाके मिलो. ये कंगन भी ले गया अंदर. मतलब शर्म नहीं आती आपको? आई वेट फॉर योर रिप्लाई. बाय. टोकन तो रख लो. नहीं नहीं नहीं, आप ले ले जाओ. अंदर जाओ आप. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं. जी, तो कौन मेरे दोस्त पहले आ रहे हैं? जी भाई साहब. हेलो कपिल. हेलो सर. हेलो राज जी और समिता जी और शिल्पा जी.
आप कहाँ से हैं सर? मैं बेसिकली मुंबई में काम करता हूँ, लेकिन रहने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, साकेत सिंह कौरव। जबलपुर से आप? जी हाँ। अरे मेरे काफी रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। अरे क्या बात सर, तो क्या इसमें क्या बात, क्या बात क्या? तो हमारा रिलेशनशिप निकल गया ना सर। अच्छा। तो मेरा सवाल शिल्पा जी से यह है कि जी मेरी भी सालियाँ हैं, उनसे मेरी खूब पटती है और मैं उनके लिए बहुत सारे तोहफे और उनका बहुत देखभाल करता हूँ। क्या देखभाल करते? कि एक जीजा जी को जो करना चाहिए वो मैं भी अपनी भूमिका निभाता हूँ। क्या करना चाहिए हमें बताओ, हमने भी शादी। जीजा जी की जो भूमिकाएं होती हैं, और राज कुंद्रा जी भली भांति समझ रहे होंगे क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ स्टेज पे उनका और समीता जी के बीच में। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए। सर आप मुझे देख रहे हैं इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल। अरे मैं डेढ़ घंटा देखा उनको, नहीं समझ में आया। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ एक जीजा की क्या जिम्मेदारियाँ होती साली के प्रति, क्या मतलब? कि भाई उसकी जो भी खुशियाँ उनका ध्यान रखा जाए बड़ा होने के नाते, और जो चीजें हैं वो अपनी बहन से एक्सपेक्ट करती हैं जीजा जी उसको आगे ले जाके पूरी करें। बड़ा होने के नाते कि करेक्टरलेस होने के नाते? अरे सर ये तो कई डायमेंशंस की बात है। नहीं तो मतलब खुशियों का ध्यान रखना है, साली का रखना है, जो भी रखना ध्यान साली का, बीवी का नहीं रखना। नहीं सर बात तो ऐसी है कि मेरे सामने जो बड़े एग्जांपल बैठे हैं। आप जबलपुर जाना ना, आपका जबल सुजाएंगी वो। नहीं सर मेरी वाइफ मेरे साथ बॉम्बे में ही रहती है। बॉम्बे में ही है? जी हाँ। तो कितनी सालियां आपकी? सर वैसे तो 3 सालियां हैं। तो ऐसे ऐसे ही सर, मैं आपके सामने बोलने के पहले मेरा प्रश्न ही भूल जाऊंगा सर। अच्छा प्रश्न ले लीजिए जी। तो राज कुंद्रा जी और समिता जी के बीच में जो देखा है कि वो कितने केयरिंग हैं, अपनी साली साहिबा का भी बखूबी ध्यान रखते हैं जैसे कि मैं भी करता हूँ जी। लेकिन अक्सर हमने हमारी भारतीय परंपराओं में कहें या हमने देखा है हमारे हिंदुस्तान में कि भाभी और ननंद के बीच का जो रिश्ता है जी, वो कहीं ना कहीं उसमें अनबन और थोड़ी सी खटपट और थोड़ी सी, आप समझ रहे हैं ना? ये मैं समझ गया। ये चीजें दिखती नहीं है बाहर लेकिन होती हैं। होती होगी हाँ। अब जीजा साली में कभी नहीं होती है ना? सर अब मैं क्या खुश हो जाता साली आए तो। सर लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि राज जी की भी एक सिस्टर हैं, तो हाँ दो सिस्टर हैं, तो शिल्पा जी भाभी का रोल आप जब प्ले करते हैं तो भाभी और ननंद के बीच में आपका कैसा रिश्ता है? आप रोल प्ले करती हैं भाभी का रोल प्ले? नहीं वास्तविक जीवन में रोल सर, अभिनय नहीं, वास्तविक जीवन में। हिंदी कवि जी आप, मैं वही बोल रहा हूं। तो वास्तविक जीवन में जो आप भाभी का जो किरदार प्ले करती हैं, प्ले कर रही हूं हां, तो इनकी जुफ्तजु में आपका मुगालफा हो गया भाई साहब। सर ओके तो हां, जहां तक के मेरे सिस्टर इन लॉज का सवाल है, मुझे सच्ची में ऐसे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा कि मुझे बहुत ही सिंपल, बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड और फस फ्री, लो मेंटेनेंस सिस्टर इन लॉज मिल गई। दोनों टचवुड बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं। इस बात पे तालियां हो जाएं। और सर एक छोटा सा मेरा एक राय है कपिल सर के लिए, आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इस शो के माध्यम से आपका, आप और आपकी पूरी टीम देश और दुनिया में जिस तरीके से एक लाफ्टर के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों की लाइफ बढ़ा रहे हैं। जहाँ मैडम योग की बात कर रही हैं, योगा की बात कर रही हैं, आप लाफ्टर से जो उन लोगों की लाइफ बढ़ा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया सर। और बहुत लोग जल्दी अच्छे भी हो जाते हैं। धन्यवाद। ये इंडियन कल्चर में ये नहीं समझ आता कि साली आधे घर वाली बट हाँ। भाभी माँ समान। हाँ पॉइंट है ना भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? भाभी माँ समान है ये तो मैं समर्थन देता हूँ जी, पर साली आधी घरवाली है इसके बारे में मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी नहीं है। और मुझे लौट के घर भी जाना है, और आज रात का खाना नसीब हुआ तो खाने मिलेगा सर। बहुत अच्छे विचार आपने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी शादीशुदा नहीं है सर, इसलिए शायद ये बात नहीं समझ पाएंगे अभी। और मैं समझना ही नहीं चाहता, इसलिए शादी नहीं करना चाहता है। नहीं सर वो तो अंदर ही अंदर जानते हैं, आप बताएंगे थोड़ी हम सबको। I love you, sir. You are so cute. शिल्पा जी ने कहा आई लव यू, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी वाइफ नेहा कौरव जो है, छोटी सी बच्ची है, हम ला नहीं पाए आज शो में। मुझे लगा कहते मेरी छोटी सी वाइफ है। नहीं नहीं तो हम लोग आपके बहुत फैन हैं, आपकी बहुत सी फिल्में देखी हैं। तो आप लेके क्यों नहीं आए भाभी जी को साथ में? सर वो डेढ़ साल की बेटी है संस्कृति कौरव, तो वो अगली बार लाएंगे, वो बड़ी हो जाएगी। और हम ये दुआ करते हैं कि आपका शो हमेशा चलता रहे, बच्चे भी बड़े हो जाएं और वो भी आएं। मतलब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, हम शो ही करते रहे, हमारे ना बच्चे हो। नहीं सर जैसे मैम एज उनका बढ़ता नहीं है, हम भी चाहते हैं आप सब किरदारों की उम्र इस तरीके से ही रहे कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया खुश रहे। शुक्रिया, बहुत स्वीट। और भी लाइक करने लगी हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। और भी लाइक करने लगी, इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी? मैम मेरे पास शब्दों की कमियां हैं कि शब्द हर भावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं,
नहीं, तुम्हारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है गुरु। नहीं 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 सर, सर के आगे तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है सर। बड़ा अच्छा है, सुबह दही के साथ हिंदी की व्याकरण खाते हैं आप सर। बड़ी अच्छी हिंदी आपकी सर, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? अरे वाह, जेल से कब छूटे? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अबू शेख है, फ्रॉम बेंगलोर। अबू शेख जी? अभिषेक और अबू शेख? अबू शेख जी, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम बेंगलोर। अच्छा जी जी अबू जी, अच्छा आपको तो मैं अबू जी भी नहीं कह सकता। जी अबू जी पूरा ही लेना पड़ेगा। जी अबू शेख जी, शमिता जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो इनके मामा जी आए थे वो पूरे बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी उनमें कुछ बात नहीं रही। आप भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ, लेकिन मैं सिंगर भी हूँ। हाँ जी, अच्छा सिंगर भी हैं? यस। तो मिल्क शेख जी, अबू शेख जी सुनाइए कुछ गाना सुनाइए। थोड़ा कोलैबोरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोलैबोरेट? क्या आपके लिए हनी सिंह लेके आऊँ? अच्छा तालियां। क्योंकि तुम एक मिनट रुको, जाओ इसके म्यूजिक के साथ। क्योंकि तुम ही हो, चलो रहने दो। क्योंकि तुम ही आपको हो, उनके साथ गाना नहीं, नहीं, नहीं है। क्योंकि तुम क्यों हो भाई? शमिता जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को कुछ काम मिल जाता। मैं अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आपके यहाँ पे काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी हो जाती। मैंने कहा था ना ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे। आज ना शमिता का दिन खराब है, कभी वो मामा आके फ्लर्ट कर रहा है, अभी आपने गाना गा के काम मांग लिया। ब्रदर मुझे पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं, पर आप जो भी करना चाहते हैं हमारी दुआएं हैं आपके लिए। थैंक यू। आप जो भी करें फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो कपिल, आपने शो पे अच्छे अच्छों को नचाया है जी, इस बार द शेट्टी सिस्टर्स वांट टू नचाओ यू। कम ऑन पाजी, व्हाई दिस रेसिज्म? रेसिज्म? मेरे को कहाँ डांस आता है यार, कोई और चीज मेरे से सफाई करवा लो। अरे पंजाबी हो, डांस क्यों नहीं आंदा? कम ऑन पाजी। अच्छा वैसे वाला? हाँ वैसे वाला। मुझे ना पीछे, मैं डांस कर रहा हूँ पीछे, मुझे ना ये ना कि पीछे राज पाजी गर्दन पे थप्पड़ मारे, मेरी बीवी के साथ डांस कर रहा है। ओह थैंक यू शिल्पा, थैंक यू शमिता। इसी के साथ ही हमें अलविदा कहना पड़ेगा शमिता को, बिकॉज उनको कहीं जाना है किसी अवार्ड शो में। सो थैंक यू सो मच शमिता, आप यहाँ पे आई। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे मिलकर। थैंक यू। तो शमिता के जाने से पहले एक सेल्फी हम लोग ले लेते हैं। थैंक यू बाजी। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब, मेरा क्वेश्चन राज सर को। एक्चुअली मेरा भी एक छोटा बिजनेस है, वो बिजनेस के लिए मैं थोड़ा भी सेक्रेटरी हायर कर रहा था, तो उसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि एक अच्छी सी सुंदर स्मार्ट थोड़ी हॉट ऐसी लड़की कोई। यानी सेक्रेटरी होता तो अपने को भी थोड़ा अच्छा फील होता है ना, बट जब इंटरव्यूज लेने थे तब मेरी वाइफ बोली कि मैं इंटरव्यूज लूंगी उनकी। तो मुझे बस आपको यही कहना है कि आपकी सेक्रेटरी कैसी है? आदमी है। इसने रखी थी। डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसे ही चाह रहा था, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने लिया और फाइनली जब मैं अंदर गया देखने के लिए, मिनी स्कर्ट कितनी छोटी है सेक्रेटरी की, देखा आदमी है। जी और कोई मेरे दोस्त? हेलो कपिल जी। हेलो जी। हेलो शिल्पा जी एंड हेलो राज। एक्चुअली मेरा सवाल शिल्पा जी से है। मैं ये पूछना चाहती थी कि राज जी जो कि इतने हैंडसम हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, और आज तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई हूँ, और ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन लेकिन आज राज जी को देख करके मेरा भी मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसे कोई भी लड़की अगर आपकी आंखों के सामने आपके हस्बैंड को छेड़ती है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? इग्नोर करती हूँ मैं। अगर मैं छेड़ू तो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इग्नोर नहीं करती, बता रहा हूँ पहले ही। इसको कराटी आती है, बहुत ब्लैक बेल्ट कराटी है ये। ओह माय गॉड, शी रियली कमिंग।
कैसे छेड़ेगी? मैंने कभी नहीं देखा किसी लेडी को छेड़ते हुए. छेड़ के बताइए. हेलो. ये क्योंकि इस माहौल में हो रहा है तो बड़ा कूल सा लग रहा है, लेकिन अगर ये सच में अगर ये होता किसी नॉर्मल सिचुएशन में तो मैं शायद इसे इग्नोर नहीं कर पाती. थैंक यू मैम. शुक्रिया. थैंक यू मैम. शिल्पा, जो आपका शो आ रहा है सुपर डांसर, उसके लिए अभी से कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं जो आपको ऑडिशन देना चाहते हैं. बच्चों आ जाओ. कौन कौन देना चाहता है ऑडिशन? आजा आजा आजा. सुपर. मैं चाहती हूं आप सभी आए मुंबई के ऑडिशंस के लिए. सभी को गोल्डन टिकट. गॉड ब्लेस यू ऑल. कैसे? हाय. नमस्ते शिल्पा जी. नमस्ते राज जी. कैसे हैं आप? कपू शर्मा, कुछ तैयारी नहीं किए हैं आप यहाँ पे? क्या तैयारी करनी है? अरे आपका सिटी केबल का शो करना है आपको. अरे हाँ, करोड़पति. हाँ वो एक्चुअली होता. अरे नहीं करेंगे, आपके मालिक नौकरी से निकाल देंगे. भूल गए सब कुछ. क्या करेंगे? देखिए. नहीं नहीं, अभी अरेंजमेंट करते हैं. शिल्पा, राजपा जी, हम लोग ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा कुछ रोजी रोटी के लिए. कौन भैल करोड़पति? जल्दी लेके आओ भाई, फटाफट सामान लेके आओ. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा पूरे 5 करोड़ रुपए. जी. अरे 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 रिंकू जी, क्या हो गया? रिंकू भाव जी, रुकिए. ये क्या कर रही हैं? अरे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है. वो क्या है, 5 करोड़ साथ में कभी सुने नहीं है ना, तो देख के ऐसा दौरा पड़ जाता है. 3-4 बार सुन लेंगे तो आदत पड़ जाएगी. और आदत नहीं हुई तो? तो चप्पल तो है ही ना. चप्पल से काम न चले तो मेरा मौजा यूज कर लीजिएगा. मैं इतना गंदा मौजा पहनता हूँ, कभी कभी सिद्धू जी ऐसे करके शेर बोलते हैं. बैठिए. अरे बैठ रहे हैं. तो मैं घत्रुगन आप सबका स्वागत करता हूँ. इस प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति. चलिए खेला खेलते हैं, आरंभ करते हैं. जिसमें कुंद्रा फैमिली की तरफ से खेलेंगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, और फालतू फैमिली की तरफ से खेलेंगी रिंकू भाऊजी. तो ठीक है. भौजी और शिल्पा की मदद के लिए यहाँ बैठे हैं राज कुंद्रा और तो सबसे बैठो बैठो. हॉट सीट पे आपके बैठ कर कैसा लग रहा है? हॉट सीट पे नहीं बैठेंगे. एक तो इतना गर्मी है, ब्लाउज सारा बगल में पसीना भर रहा है, ऊपर से हॉट सीट. हम नहीं बैठेंगे, हमको कोल्ड सीट दो. देखिए सीट हमारी नॉर्मल है. अच्छा? वो बैठी है इसलिए बोल रहा हूँ हॉट सीट. अच्छा? बैठिए. कोल्ड सीट है. गरम गरम तवे पे बिठाएंगे, पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे आप. कोई आया तो कहना छेनू आया था. हम यू क्यों कहा छेनू आया था? बहुत दिन बाद टीवी पर आया, मैंने कहा डायलॉग बोल देते. अच्छा ऐसा. तो खेला शुरू करने से पहले खेल के रूल आपको बता दूं कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे कोई जवाब नहीं देगा. कैसा रूल है? और अगर कोई खेल बीच में छोड़ के गया तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. और खेला खेलने के लिए आपके पास है 4 लाइफलाइन. अच्छा. साथ ही फोन उठाना. 50-50 ऑडियंस पॉल और एक्सपर्ट की राय. एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट हमारे इतने एक्सपर्ट हुए नहीं इसलिए हमने बुलाया नहीं. तो आपके पास लाइफलाइन है 3. आप खेला खेलने के लिए तैयार हैं? जी. इससे तो ज्यादा क्या तैयार होंगे हम? और आप तैयार हैं मर्दों जैसे मुंह वाली औरत? बस तैयार है. हम 1 लाख रुपया जीत जाएं, बस यही अरमान है. अरे 1 लाख नहीं, आप जीत सकते पूरा 5 करोड़ रुपया. क्या कर रहे हैं? अरे
अरे पांच करोड़ एक साथ कहां बोलते हैं, ऐसा तोड़ तोड़ के बोल दीजिए, 20 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 1 करोड़, एक छोटा छोटा करके बोले, 5 करोड़ में दौरा पड़ता है, चार लोग क्या हमारी, चलिए बैठिए खेला शुरू करते हैं। बैठ रहे हैं, फिर 5 करोड़ मत बोलिएगा। तो कौन करोड़पति का पहला ये कौन सा गेम है, ये कैसा नाम हुआ, कौन फाइल करोड़पति का पहला सवाल है, हाथ फंसेगा तुम्हारा, देख फंस चुका है, खोलिए, लगा ही था। पहला सवाल ये ऑन कैसे होता है, पहला सवाल ऑन कैसे होता है पूछा तो नहीं। तो पहला सवाल ये रहा आपके मुंह पे, ये बताइए कि सिद्धू जी का एटीएम का नंबर क्या है। अबे मुझे नहीं पता। ये हमें कैसे पता होगा? अरे पूछिए, सुंदर लड़के को बता देते हैं। इनका एटीएम पिन जान के क्या करेंगे आप? अरे उनका कार्ड हमारे पास है, विजेता को पैसे वहीं से निकाल के देंगे। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। कब शुरू करोगे खेला, जब से लगा रखा है खेला शुरू करते हैं। चुप। खेला शुरू करने से पहले तो ये रहा पहला सवाल, 10,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये बताइए कि PWD की स्पेलिंग क्या होती है। आपके ऑप्शन है PWDS, PWDF, PWDC या PWD। अरे डी, PWD, ये कैसा? PWD। गलत जवाब। क्यों? आपने कहा था जवाब देने से पहले हाथ खड़ा करना, आपने हाथ खड़ा नहीं किया। आपने कहा कि ऑप्शन डी, बहुत सही सवाल, आपका हक बनता है, वेरी नाइस। हक? पैसे भी मिलेंगे ऐसा है तो हमारा भी हक बनता है। गेम ऐसा इक्वल होना चाहिए। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी चुके 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। सिर्फ 20,000 है। अच्छा, हजार है वो। तो अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए। जांग, अगर आपके पति रात को घर देर से पहुंचे, हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ऑप्शन बी, उससे उठक बैठक करवानी चाहिए। ऑप्शन सी, अगले दिन खुद ले जाना चाहिए। अगले दिन? ऑप्शन डी, अगले दिन खुद ले जाना चाहिए बोला। बोला खुद ले जाना चाहिए बोला। तो इसका जवाब बताइए। इतना डर लग नहीं रहा जितना तू डरा रहा है। तो क्या करना चाहिए पति घर लेट से आए तो? दरवाजा खोल देना चाहिए। मजेदार जवाब। रिंकू भाभी, हाँ, आप बताइए क्या बताएं? आप क्या करती? तेरे बाप का भाई। हमने सवाल पूछा कि पति घर पे लेट आए तो क्या करना? हमारा जवाब बनता ही नहीं है। हमारे पति लेट कैसे आएंगे, वो सारा दिन घर पे ही पड़े रहते हैं। सिद्धू जी, गर्मी का मौसम है, ऐसा आदमी है जो रजाई लेके पड़ा रहता है, ऐसे सांप बिल में घुसा रहता है ना, बिल्कुल वैसा। ओहो, अब नेवला जैसी औरत हो। तो पति तो बिल में ही घुसरेगा। आप जीत जाती है 50,000 रुपया, आपको तो हक बनता है। बहुत अच्छे, तो इधर भी बनता है यार। एक सवाल पर्सनल, बताइए क्या भैंस कुर्सी पे बैठ सकती है? हाँ, बैठ सकती है। आपने देख के बोला। अगला सवाल 2,00,000 रुपए के लिए। एक मिनट। 2,00,000। 2,00,000 रुपए के लिए। हाँ, ठीक है। एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा कितने ठुमके लगाए जा सकते हैं?
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। यक सुनाई कम दिया, फील ज्यादा हुआ हमारे मुंह पे। तेरी भाभी की ननद। चलिए रिंकू भाभी एक बार करके दिखाइए। तो ठीक है ठमका लगा के दिखाइए, कितने लगा सकते। आप बड़ी सेक्सी भी लग रही हैं आज। घमंड नहीं किया कभी, लेकिन 20 तो लगा लेंगे। घमंड नहीं किया तो ब्रश किया कि नहीं? जल्दी कीजिए, मेरी मूंछ उतर रही है। जल्दी से बताइए कितने ठमके लगा सकती है। 20 लगा लेंगे। लगा के दिखाइए। रिंको भाभी जगह पे ला रहे हैं। तो किसने कहा था डांस करने का, स्टूडियो तोड़ देते तो। कितना हुआ? बहुत ही वाह याद डांस था आपका। आगे बढ़ते हैं। हाँ। अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए, ये बताइए कि लाल किले का सरनेम क्या है? हैं? लाल किले का सरनेम क्या है मोटरिया? ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी शुक्ला, ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्या? ये तो सवाल ही गलत हुआ। ठीक है आपको एक और सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा सवाल गलत था। सवाल गलत था तो हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, उसका सवाल बनाइए। अच्छा हाँ फिर ठीक है। जवाब है हाँ। नई दिल्ली, लंदन, हाँ। न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसका सवाल बनाइए। चार ही ऑप्शन था वरना लैंडर तक पहुंच जाते थे। यहाँ से सुन लिया। बहुत टफ है, इसके लिए हम पाइपलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। पाइपलाइन? लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। तो कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं? फोन लगाते हैं वो क्या होता है? फोन लगाती हैं। आइए कीजिए फोन, किनको करेंगी? एक रुपया है? हाँ, एक का सिक्का 10 रुपए में। और 10 का सिक्का? 10 का सिक्का 1 में। एक में 10 रुपए। ऐसी की तैसी। चलिए डाल के वापस निकालूंगा। घंटी भी क्या? हमारा फोन वाइब्रेशन पे है। हेलो हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? फालतू के सवाल मत करे, साफ दिख रहा है यहाँ से बोल रहे हैं। जवाब दीजिए। आपकी भाभी बैठी है हॉट सीट पर। खड़ी है अभी तो। तेरी बेटी का बाप। मेरी बेटी का बाप। चलिए बताइए सवाल क्या है? उनको आपकी हेल्प चाहिए। हाँ तो करेंगे हेल्प, बताइए सवाल क्या है? सवाल नहीं है। वही तो पूछ रहे, सवाल है क्या? तो सवाल आप पूछेंगे तो ही तो जवाब देंगे। वही तो जवाब है कि जो सवाल पूछना है। हमारे पास सवाल नहीं है, हम जवाब की तैयारी करके आए हैं। तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया? रख, हमारा फोन की तोड़ के मारेंगे तेरे चका। अच्छा फिर एक काम करो, दूसरा पाइपलाइन करवाओ। पाइपलाइन? ठीक है। 50-50 दो गलत जवाब मिटा दो। अरे आप लोगों का उधर चल रहा है, हम इधर अपना कोई अलग सा गेम खेल रहे हैं दूसरा। अरे एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए। अरे आप अगला सवाल जो है वो है 50 लाख रुपए के लिए। दौरा पड़ता पड़ता रहेगा हमको। ये सवाल होगा हिस्ट्री से। नहीं नहीं रिंकू भौजी का हिस्ट्री बहुत ही खराब है, हम बता रहे हैं। ए राउंड आप हमको खेलने दीजिए, हम वैसे राउंड भी हैं। चलो आ जा, तू आ जा। ए देखिए एक एक हमको मौका मिला है, हम खेल के आ। इस पे कैसे चढ़ते हैं? इस पे कैसे चढ़ते हैं? ए कैसे टूटता है पूछ। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं पकड़ के रखा, बैठ बैठ। रुकिए रुकिए रुकिए, हट। 2 फीट नीचे कर दिया कुर्सी का, हट। हाँ हम समा गए, सारा जुगाड़ अंदर लीजिए, चलिए हट। तो
तो ये रहा 50 लाख रुपए का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ पूछिए, हिस्ट्री का सवाल पूछिए। अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए, हिस्ट्री का सवाल है, कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे। कितने में से कितना निकालोगे? हिस्ट्री कहाँ है? क्योंकि ये सवाल अलेक्जेंडर ने सिकंदर से पूछा था। तो कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? अलेक्जेंडर सिकंदर दोनों एक ही आदमी हैं। कैसे पूछ सकते हैं अपने आप से? तेरी ननद की भाभी। तो कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? ऑप्शन है 50 में से 40, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन है, गुस्सा आया था। ऑप्शन बी 40 में से 30, ऑप्शन सी 30 में से 20, ये ऑप्शन डी 20 में से 10। चारों सही है। तो चारों सही दिया आप। वाह, इस बात पे हक बनता है। तो क्या है, इधर भी बनता है। आप इनको हक करके गए, मतलब इनका जो जवाब है वो सही है। तेरे घोड़े का हाथी। अरे ये क्या है, ये तो कोई रिलेशन भी नहीं है। उसका हमें नहीं पता, हमें इस बात की खुशी लोगों का एक ऑप्शन सही होता है, हमारे सारे के सारे सही। क्योंकि इसका जवाब हमारे पास भी है, हम खाली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे, ऑडियंस पोल। ठीक है, ऑडियंस का पोल लाया जाए। ऑडियंस का पोल लाया जाए। ये रहा ऑडियंस का पोल। क्या कर रहे हैं? तो नाचने का पोल है, इससे कैसे जवाब आएगा? हमें कुछ नहीं पता, आपने पोल मांगा, हमने पोल दिया। अब आप जाके पोल को खोल दो। ठीक है, हम तेरी मदद कर देते हैं। ये जवाब में कैसे हेल्प करेगा? चलो हेल्प में जवाब हो जाएगा। अरे हम कर दिए जो कर सकते थे। बहुत ही वाह, याद किया है आप। आप दोनों ने कोई पैसा नहीं जीता, उल्टा आपको ऐसा घटिया डांस करने के एवज में कोड़े लगाए जाएंगे। ये बात में तो कोई इज्जत नहीं हुई। तेरा डंडे का कोड़ा। अच्छा, हमको अपने शो में बुलाया, हमको खिलवाया, हमको पैसा भी नहीं दिया, इनाम का हमारा टाइम खराब कर दिया, इसको आदमी होता है बात करता है। तुम क्या लगाया है? आपका जो डांस का प्रोग्राम है ना, उसमें हमको बुलाओ, हम आएंगे, बढ़िया से डांस करेंगे आपके प्रोग्राम में। शिल्पा जी, आपको तो मैं टाइम खराब कर दिया सारा। तेरे बाप की हट। मेरे बाप की हट है तो तुम्हारे बाप का बंगला, ठीक है? चल चलते हैं शिल्पा जी, डांस के शो में बुलाइएगा। टाइम खराब किया है सारा। शिल्पा और राजपाजी के लिए जोरदार तालियां। शिल्पा थैंक यू सो मच, आप शो में आई, बहुत अच्छा लगा हमें, और हमेशा आती रहिएगा। थैंक यू बाजी। थैंक यू, लव यू सर। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास सफाई रखें, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।